भारत वर्सेस साउथ अफ्रीका के बीच दूसरे टेस्ट मुकाबले के दूसरे दिन रवाड़ा का ऐसा हुआ कवाड़ा कि जिसको देखकर आपकी भी एक बार रूह कांप जाएगी। इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका के बीच दूसरे टेस्ट मुकाबले में आप सभी को बता दें कि विराट कोहली और रोहित शर्मा की दोहरी शतकीय पारी और तेहरी शतकीय पारी देखकर आपके भी एक बार रोंगटे खड़े हो जाएंगे और आप भी विराट कोहली और रोहित शर्मा को दिल से सलाम करेंगे। तो इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देख लीजिए, आपको लाइव दिखाएंगे कि रवाड़ा का कैसा कवाड़ा हुआ और वर्ग जैसे घातक विस्फोटक साउथ अफ्रीका के गेंदबाजों की ऐसी धज्जियां उड़ाई कि इंडिया टीम के खिलाड़ियों कि आपकी भी अगर सोच करके रूह कांप जाएगी। तो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखते रहिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। दूसरे दिन रोहित विराट का आया तूफान, ताबड़तोड़ विस्फोटक बल्लेबाजी से मचाया कहर, साउथ अफ्रीका के खिलाड़ियों की उड़ा करके रख दी धज्जियां। साउथ अफ्रीका का अच्छा से अच्छा गेंदबाज विराट कोहली और रोहित शर्मा के आगे पानी भरता हुआ नजर आ रहा था। पूरा का पूरा हाईलाइट मुकाबला दिखाने जा रहे हैं, बस वीडियो को आप शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखते रहिए। इंडिया के दिग्गज कप्तान हिटमैन रोहित शर्मा और यशस्वी जायसवाल सबसे पहले बल्लेबाजी करने के लिए जब मैदान पर गए दूसरे टेस्ट मुकाबले में, जहां पर एसएसबी जायसवाल सिर्फ 5 रन बनाकर के पवेलियन का रास्ता दे गए। सुमन गिल बल्लेबाजी करने के लिए मैदान गए, सुमन गिल 17 रन बनाकर के पवेलियन का रास्ता दे गए। तीसरे में केएल राहुल जब गए तो केएल राहुल सिर्फ मैं आपको बता दूं कि यहां पर 20 रन बनाकर के पवेलियन का रास्ता दे गए। उसके बाद श्रेयस अय्यर जब मैदान पर गए, श्रेयस अय्यर 18 रन की नाबाद पारी खेल, वो भी पवेलियन का रास्ता दे गए। यहां पर 4 ओवर के अंदर भारतीय टीम के 4 विकेट चले गए थे, एसएसबी जायसवाल, सुमन गिल, श्रेयस अय्यर, केएल राहुल। लेकिन मैदान पर भारतीय टीम की रीढ़ की हड्डी कहे जाने वाली विराट कोहली और यहां पर रोहित शर्मा मैदान पर डटे हुए थे। विराट कोहली जैसे ही हिटमैन रोहित शर्मा का साथ देने के लिए आए, बल्लेबाजी और ताबड़तोड़ विस्फोटक तरीके से होने लगी, जहां पर साउथ अफ्रीका के परखच्चे उड़ने लगे। विराट कोहली और रोहित शर्मा की बल्लेबाजी देखकर साउथ अफ्रीका के सीनियर कप्तान टेम्बा बावुम्बा, एक तरफ भारतीय टीम के दिग्गज पूर्व खिलाड़ी और कप्तान और भगवान कहे जाने वाले सचिन तेंदुलकर, महेंद्र सिंह धोनी ने खड़े होकर विराट कोहली रोहित शर्मा को सलाम किया। यहां पर विराट कोहली ने घातक विस्फोटक बल्लेबाजी करके दोहरा शतक जड़ दिया, यानी कि 212 रन ठोक डाले और साउथ अफ्रीका के गेंदबाजों को पानी भरने पर मजबूर कर दिया। साउथ अफ्रीका का अच्छा से अच्छा गेंदबाज विराट कोहली और रोहित शर्मा का जो है फैन हो गया और साउथ अफ्रीका के अच्छे से अच्छे गेंदबाज विराट कोहली रोहित शर्मा के आगे पानी भरते नजर आ रहे थे। रोहित शर्मा और विराट कोहली थे ताबड़तोड़ विस्फोटक तरीके से बल्लेबाजी कर रहे थे कि साउथ अफ्रीका के गेंदबाजों को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि आखिरकार यहां पर हो क्या रहा है। आप सभी को बता दूं कि रोहित शर्मा ने विराट कोहली और दोनों ने मिलकर रवाड़ा का ऐसा कवाड़ा किया कि साउथ अफ्रीका के गेंदबाज कभी भी भविष्य में विराट कोहली रोहित शर्मा के आगे गेंद फेंकने के लिए सोचेंगे नहीं। आप सभी को बता दूं हिटमैन रोहित शर्मा ने 312 रन की नाबाद पारी खेली, 13 शतक जड़ डाला, क्योंकि रोहित शर्मा गुस्से में खेल रहे थे क्योंकि इनको ये मुकाबला किसी भी हाल में जीतना था। एक तरफ विराट कोहली रीढ़ की हड्डी कहे जाने वाली इंडिया टीम की, उन्होंने 212 रन की नाबाद पारी खेली और भारतीय टीम को दूसरे टेस्ट मुकाबले में जीत मिली। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।